हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। अगर मेहनत और लगन हो तो इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर कैसे एक ऑटो ड्राइवर के बेटे ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मोहम्मद सिराज के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने ना कि अपने माँ बाप का बल्कि पूरे भारत का सर ऊंचा कर दिया। तो इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपको मोहम्मद सिराज अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो कर दे लाइक। सिराज का फुल नेम है मोहम्मद सिराज। सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद में हुआ और 2021 के हिसाब से 27 साल के हैं। सिराज ने अपने स्कूल की पढ़ाई सफा जूनियर कॉलेज नमपली हैदराबाद से की और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों 12th स्टैंडर्ड, यानी कि इन्होंने 12th तक ही पढ़ाई की है। अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज के करियर के बारे में। सिराज ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 15 नवंबर 2015 में किया, जहां पे इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली हैदराबाद के लिए और फिर इन्होंने 2 जनवरी 2016 को T20 डेब्यू किया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब ये 2016 में रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, वब ये हैदराबाद के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। इन्होंने टोटल 41 विकेट लिए और फिर फरवरी 2017 में सिराज को IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा 2.6 करोड़ रुपये में। और फिर इसके एक साल बाद यानी 2018 में RCB के लिए खेलने लगे और अब तक IPL में ये RCB के लिए ही खेलते हैं। इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए सिलेक्टर ने इन्हें इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया और फिर सिराज ने 4 नवंबर 2017 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पे इन्होंने सबसे खतरनाक बल्लेबाज केन विलियमसन को आउट किया, यानी केन विलियमसन का विकेट ले लिया। और फिर सिराज ने 15 जनवरी 2019 में ODI यानी वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर 26 दिसंबर 2020 को सिराज ने टेस्ट डेब्यू किया और ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला। दोस्तों, सिराज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये 2020 में IPL खेल रहे थे, तब सिराज ने इस IPL के एक मैच में 2 मैडन ओवर दिए और यह IPL हिस्ट्री में ये पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने एक मैच में 2 मैडन ओवर दिए थे। और मैं आपको बता दूं, मोहम्मद सिराज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उन्हें एक क्लब के लिए मैच खेलने का मौका मिला और उस टीम के कप्तान इनके मामा ही थे। उस मैच में मोहम्मद सिराज ने 20 रन देकर 9 विकेट ले लिए थे, जिसके चलते टीम जीत गई और मोहम्मद सिराज को उस मैच में उनके मामा ने 500 रुपए दिए थे इनाम के तौर पर और वो इनकी पहली कमाई थी। चलिए मिलवाते हैं आपको मोहम्मद सिराज की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है मोहम्मद गौस, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इनकी मदर का नाम है शबाना बेगम, और इनके एक ब्रदर भी है जिनका नाम है मोहम्मद इस्माइल। अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद सिराज हैदराबाद में रहते हैं, जैसा कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं, और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास कार एक किया सेल्टोस जिसकी कीमत है दोस्तों 18 लाख रुपये। अब बात करें इनके इनकम के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट मैच खेलने के लिए लेते हैं 15 लाख रुपये और वहीं ये ODI मैच खेलने के लिए लेते हैं 6 लाख रुपये और वहीं T20 मैच खेलने के लिए लेते हैं 3 लाख रुपये और दोस्तों, ये IPL का एक सीज़न खेलने के लिए लेते हैं लगभग 3 करोड़ रुपये। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इनका नेटवर्थ है $2 मिलियन, यानी 15 करोड़ रुपये। तो ये थी मोहम्मद सिराज की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं।